नमस्कार, 30 मिनट्स जीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपकी डिमांड थी कि वीडियो के लिए रीजनिंग लाने के लिए आप लोग बार बार बोल रहे थे, तो हमने आपकी बात सुनी। लेकिन इसमें रीजनिंग में सिर्फ वीडियो के लिए नहीं, आप यहाँ पर रीजनिंग पढ़ेंगे तो रीजनिंग पूरी कंप्लीट की जाएगी। और कंप्लीट किसके द्वारा की जाएगी तो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ हैं आशीष सर। आशीष सर गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर हैं, इसके साथ साथ ऑफलाइन बैचेज भी चलाते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट पर वो हमारे साथ आए हैं और आपके लिए सब कुछ मटेरियल से ले कर पूरे वीडियो तक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकती है कि उन्होंने कैमरा बहुत कम फेस किया है, थोड़ा सा कैमरा सही है, तो आपको 2-4 वीडियो में सपोर्ट करना, बाकी सब कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी लेवल की, कई लेवल में पढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए फैमिली रिलेशंस है, ब्लड रिलेशन है, उसमें ये 4 से 5 लेवल तक ले जाएंगे। तो आपको एग्जाम के हिसाब से लेवल पढ़ना है, लेकिन एक बार रीजनिंग पढ़ ली सी सेट सी डी एस किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यहाँ तक कि यूपीएससी के लिए और भी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं जिसमें सीएपीएफ वगैरह भी है, वो भी आपकी रीजनिंग कवर करें। तो मिलिए आशीष सर से। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया है कि हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे और मेरा नाम आशीष कुमार राजपूत है, तो आपका फिर से एक बार 30 मिनट जीएस में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आपको यहाँ पर रीजनिंग उस लेवल तक ले जाऊँगा जितने भी ये सरकारी एग्ज़ाम हैं उनमें जितनी भी रीजनिंग आती है सारी कवर हो जाएगी। जैसे हमारे ये स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, बैंक पीओ के एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें सभी में ये रीजनिंग हमारी कम्प्लीटली आ जाएगी, कवर हो जाएगी। तो आज हम सिर्फ आपका सिलेबस डिस्कस करने आएंगे कि हम आपको रीजनिंग में पढ़ाएंगे क्या क्या। तो आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग में पढ़ाएंगे सिलेबस, इसके अंदर क्या क्या पढ़ाएंगे वो देखो। प्रॉब्लम बेस्ड, अल्फ़ाबेट्स, प्रॉब्लम बेस्ड अल्फ़ाबेट्स में आता है हमारे कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग आती है इसमें। सेकेंड आता है वर्ड फॉर्मेशन, तीसरा आता है पेयर फॉर्मेशन, चौथा आता है डिक्शनरी, फिफ्थ नंबर पे आता है लेटर सीरीज, सिक्स नंबर पे आता है जंबलिंग। आप लोग साथ साथ इनको नोट भी करते जाइए ताकि पता रहे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, हम आपको रीजनिंग हर एक एग्ज़ाम के लेवल की पढ़ाएंगे, इसलिए हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। आप अपने सिलेबस देख के देखिए कि हमें किस एग्ज़ाम में कौन सी टॉपिक आ रहा है, कौन सा सिलेबस आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसी क्लास को पढ़िए, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है जैसे प्रॉब्लम बेस्ड अल्फ़ाबेट्स होता है उसी प्रकार प्रॉब्लम बेस्ड नंबर्स होता है। नंबर्स के अंदर आता है हमारा नंबर सीरीज, सेकेंड नंबर पे आता है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर के बाद आता है ऑड वन आउट, अच्छा अभी तो हम आपको इंग्लिश में यहाँ टॉपिक लिख रहे हैं, लेकिन आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, हिंदी में भी पढ़ाएंगे और बीच बीच में इंग्लिश में भी वर्ड पढ़ाएंगे। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ज़्यादा सूटेबल लगते हैं हमको, हिंदी से बेहतर लगते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप इंग्लिश में टॉपिक लिख लीजिए एनालॉगी, ये नंबर्स में आते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड नंबर्स में ये टॉपिक आते हैं। एक आता है कोडेड इक्वेशन, फिफ्थ नंबर पे है कोडेड इक्वेशन। कोडेड इक्वेशन के बाद इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको थर्ड नंबर पे आता है ब्लड रिलेशन,
ब्लड रिलेशन से बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंक पीओ में इसके लगभग 5 क्वेश्चन बनते हैं, और जबकि एसएससी सीजीएल वगैरह में कम से कम 3 क्वेश्चन से आ जाते हैं। इसके बाद फोर्थ नंबर पे है हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स के बाद आता है क्लॉक। 6 नंबर पे आता है कैलेंडर। 7 नंबर पे आपको पढ़ाएंगे डाइस। 8 है क्यूब और क्यूबॉइड। 9 के बाद आपको पढ़ाएंगे रैंकिंग। 10 के बाद है सिटिंग अरेंजमेंट। 10 इसी में आपको आ जाता है पजल। बैंक पीओ में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ये ब्लड रिलेशन, और इसके बाद ये पजल, और बैंकिंग में आती है रैंकिंग, डायरेक्शन, सेटिंग अरेंजमेंट। ये बैंक लेवल के हैं। बाद बाकी ये जो और टॉपिक हैं, और ये इनमें से सभी में हर एग्ज़ाम में हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इतना सिलेबस नोट करने के बाद आगे भी और सिलेबस है। थर्टी नंबर पे है सिलॉग। ये भी बैंकिंग के लेवल से पर्सन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है 14 बैन डायग्राम। 15 इनइक्वालिटी के बाद आपका आता है मशीन इनपुट। मशीन इनपुट के बाद आता है आपका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में आपके ये एजम्पशन, कॉस ऑफ एक्शन और ये कॉन्क्लूजन स्टेटमेंट, ये सब इसी के अंदर आ जाएंगे। एजम्पशन वगैरह जितने भी हैं इसी के अंदर आ जाते हैं स्टेटमेंट के। ये तो हमारी हो गई वर्बल रीजनिंग। इसी के साथ आपको पढ़ाएंगे नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक हैं सबसे पहला आता है नंबर मैट्रिक्स नॉन वर्बल में। इसके बाद आता है सीरीज, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के बाद आता है ये वाटर इमेज। वाटर इमेज के बाद आता है हमारा एम्बेडेड फिगर। ग्रुपिंग इतने ही तुम्हारे नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। तो ये टॉपिक्स हम आपको पढ़ाएंगे। इधर नहीं शायद दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। फिफ्थ नंबर नंबर ऑफ सीरीज, 6 नंबर पे ग्रुपिंग। अच्छा फोर्थ नंबर भी नहीं दिख रहा है। एम्बेडेड फिगर यहाँ पे लिखा था, एम्बेडेड फिगर। तो ये आपके नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। तो ये आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, इसका कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। बस जैसे कि आप जानते हैं कि इस कोचिंग में, इस चैनल पे सब कुछ फ्री पढ़ाया जाता है, यहाँ कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये सब भी आपको फ्री ही मिलेगा, और आपकी क्लासेस सारी स्मूथली चलेंगी और पूरा कोर्स आपको स्मूथली पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ हम आपकी क्लास ये समाप्त करते हैं। अब आपको मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं काउंटिंग फिगर से, वो हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में।
आज हम आपको सिर्फ सिलेबस डिस्कस करने आए थे। जैसे आप लोगों की भारी डिमांड थी कि हमको रीजनिंग के एक सर चाहिए है और रीजनिंग हमें अच्छे से आनी चाहिए, हर एग्ज़ाम में क्लियर हो जाए, तो आपके लिए हम रीजनिंग लाए हैं। तो अब आपको नेक्स्ट क्लास से आप पढ़ाएंगे।